दूसरा पांचवा कल थाना, और थाना में क्या हुआ? और बैंक में बैंक दे रहे ना हमें तो वेतन पैसा वेतन निकाला कि तब हम दस्खत लेके चल दी हाँ निकल जाइए वेतन ना ओकर सब पैसा आर की तहाँ दस्खत कर दी तहाँ पैसा निकाल खोले दर दीस तहाँ वो बघौत ले जिन फोन कौन आप फोन करी आदमी है तेहर कर दीस कि पैसा ला झीन दी हम सिवाही से कि और वो आधार कार्ड पास बुक मोर कर कि तहाँ मैनेजर है पैसा ला नहीं दीस आदमी दो कहके कि तहाँ से वहाँ रहे हम डबरा गिन तहाँ डबरा में रिपोर्ट सिपोर्ट लिखवाए हैं और आए हैं हम बैंक मैनेजर का बोली साहब मतलब नहीं दो पैसा किस और पर्ची वहाँ किस जब मरीज लेके गए रहे हाँ मरीज ला लेके रहे जो हाँ तो देखी से घोले तहाँ तो बातचीत करे नहीं सकत किस और बातचीत करी से मोला सब पैसा चाहिए मोला सब पैसा मिले इसे कह के मोर आधार कार्ड सब ये मोला राख ली से मोर बेटी है कह के मोर घर ले मोला निकाल दी से और सब पैसा ला मोला चाहिए कह के और मांग करी से और दस्खत घला ले ली ने ओकर करा ली दस्खत लेके बाद आप मतलब का बोली हाँ देवो किस और वहाँ ले लाना किस आदमी किस कोर्ट में एक दिन आदमी चाहिए एक दिन बघौत के आदमी चाहिए तो मन के नाम से निकालिए और मन दस्खत दी दीह किस तहाँ मन हम कोर्ट में ले आदमी लाने राइस मिल वाला ला तहाँ एक दिन बघौत के ले गए पद्मलोचन साहू ला तहाँ मन दस्खत दी हैं तहाँ फिर एक जौन बल्लू कथे वैष्णव परिवार के वो तब वो दस्खत दीस हाँ तो पैसा मिल जाए किस और बावजूद में घोले फिर वो अब फोन कर दीस का बघौत वाली कौन लड़की करी कि लड़का करी जो पैसा ला झीन दिया इसे कि तहाँ पैसा ला नहीं दिस आपका सुन मेरा नाम विश्वनाथ बैरागी है जी आप कल बैंक गए थे तो आपको क्या बोले मैं कल सुबह बैंक मैनेजर को फ़ोन किया था उसको बोला था कि सर नानी माँ का वहाँ पेंशन बनता है मेरी नानी है वो और उनका पासबुक को उनकी बेटी रख ली है नहीं मिल रहे हम लोग के पास तो हमको पेशेंट का इलाज करवाना है तो पैसे की ज़रूरत है तो हम सब कैसे करें तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आप उसको एम्बुलेंस में लाओ मेरे पास या किसी गाड़ी व्यवस्था करके मेरे पास लाओ मैं पैसा निकाल दूंगा उनसे बात करके हम लोगों ने बमुश्किल से उनको एक गाड़ी किराया किया गाड़ी किराया करके हमको 11 बजे बुलाए थे हम लोगों ने वहाँ पर गया तो नाम पता पूछे हम लोगों ने खाता नंबर बताया आधार कार्ड नंबर बताया और वो जैसे ही खोले बैंक मैनेजर वहाँ पर देखे कि नॉमिनी कोई नहीं है तो उनका नियत डोल गया वो बताया कि 3.5 लाख रुपये पैसा है उसमें से 10,000 रुपये आप लोग ले जाओ तो हम लोग बोले सर 10,000 में हम लोग रायपुर लेके जाएंगे पेस मेकर लगेगा तो 10,000 में क्या होगा फिर बोला कि 10 मिनट बाद यहाँ वहाँ बहस किया फिर बोलता है 20,000 रुपये ले जाओ मैं बोला सर रायपुर जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम स्टार्टिंग में हम लोग 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमको पैसा नहीं हो पाएगा फिर बहुत झगड़ा किया बैंक मैनेजर हम लोग को बहुत अपशब्द बोला मीडिया वालों को भी बदसलूकी किया मीडिया वालों को वहाँ से भगा दिया अंदर से मैं बैठ नहीं दूंगा बोला फिर लास्ट में 49,000 की बात किया 49,000 रुपये का जब बात किया तब भी हम लोग नहीं माने कि हमारे पैसे है तो बोला कि मेरे को मैं कर्मचारी भेज रहा हूँ वो जाके हेमको और वैष्णव से पूछेगा वो जितना बोलेगी उतना निकालूंगा उनके आदमी गए उनसे पूछे है ना मीडिया के पास बैठ भी है उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मेरा पूरा पैसा दे दो मेरे को इलाज करवाना है ना मेरे बच्चों का काम आ जाएगा भविष्य में उसके बाद भी बैंक मैनेजर ने बहुत नाटक किया बैंक मैनेजर का कहना था कि ये उसका मानसिकता ये था कि ये पैसा इनके पास नॉमिनी तो है नहीं है ना अगर ये इसी वक्त तक कुछ हो जाती है 2-4 दिन में तो पैसा बैंक का हो जाएगा ना सीधा सीधा बैंक मैनेजर जो है वो बिहेव किया उसका पैसा खाने का बहुत ज़्यादा उसका मन है जी। उसके बाद हमको बोला हम लोगों ने जब उसको बोला कि सर हमारा पैसा है वहाँ पे प्रार्थिया सामने में है प्रार्थिया बयान दे रही हैं प्रार्थिया मरी नहीं है प्रार्थिया को देखते हुए भी उसने कहा कि क्या बोलते हैं आप हमको 2 आदमी लेके आओ जिसको मैं जानता हूँ मैंने वहाँ पे 8-10 लोगों को लेके गया तो बैंक मैनेजर ने कहा मैं इनको नहीं जानता हूँ जिनको मैं जानता हूँ उनको लेके आओ तब पैसा दूंगा फिर आप क्या किए उसके बाद हम लोगों ने बमुश्किल से 2 व्यक्ति जो हमको भी जानते हैं उनको भी जानते हैं क्योंकि हम लोग बाहरी आदमी हैं है ना मतलब बैंक मैनेजर का मनसा बिल्कुल नहीं था पैसा देने का हम लोगों ने फिर उसके बाद 2 व्यक्ति को लेके आए एक राइस मिल वाले विजय पटेल हैं एक टिकेश्वर वैष्णव हैं यहाँ तक कि बघौत के भूतपूर्व सरपंच को भी पहले आने से बैंक मैनेजर मना कर दिया इसे पता चलता है कि उसकी नीयत कितनी खराब है उसके पश्चात भी हम लोगों ने वहाँ पे सुबह 10 बजे गए 4 बजे तक वहाँ पे रहा फिर बोला गया कि लिंक फैल है रुक जाओ पैसा दे दूंगा लिंक फैल है बोलते बोलते हम लोग 2.5 घंटा वहाँ बैठे उसके पश्चात अचानक मेरे को फोन करके बोलता है बैंक मैनेजर कि एक आदमी जो बघौत का है मेरे को फोन किया था पैसा देने के लिए मना किया है
मैं बोला कि सर यहाँ पे प्रार्थिया का पैसा है और दूसरे आदमी का आप कैसे डिस्टर्ब से बात मान सकते हो। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को मना किया है कोई आदमी, मैं पैसा नहीं दूंगा बोलता है। तत्पश्चात हम लोगों ने मजबूरी बस इस मरणासन वृद्धा नानी जी को लेकर हम लोगों ने थाना गया। थाना प्रभारी श्री टंडन जी ने उनको फ़ोन में बात किया, टंडन जी थाना प्रभारी ने उनको फ़ोन में बताया भी कि भैया प्रार्थिया का पैसा है, आप उसको कैसे नहीं दे रहे हो, उनकी उनकी बेटी का पैसा थोड़ी है। तो उल्टा वो क्या बोलते हैं, थाना प्रभारी को मिसबिहेव करने लगा। थाना प्रभारी जी को बोलता है कि तुम अपना पैसा दे दो। फिर मेरे को फ़ोन किया वो 5:30 बजे, बोलता है कि आप लोग का पैसा को मैं उस लड़की को दे दूंगा। वही लड़की है जो लड़की ना उसकी बेटी है, ये लोग सब उसकी बेटी हैं, ये बड़ी बेटी हैं, ये सब उनकी बेटियाँ हैं, क्योंकि वो टोटल 7 बेटियाँ हैं, सबके सब वहाँ मौजूद थे। तो उस जो माधवी वैष्णव है जो नानी का सब दस्तावेज को रखी है, उसका पासबुक रखी है, पैन कार्ड रखी है, सब रखी है, उसी के आदमी के कहने पर बैंक मैनेजर ने हमको पैसा नहीं दिया। और बैंक मैनेजर को मैंने पूछा भी कि सर कितने हज़ार में बात हुई आपसे, उसके कितना हज़ार में सेटिंग हुआ है उससे आपका, तो क्या बोले ना, वो बोलता है कि आप ना इसके बारे में सेटिंग के बारे में बात करना तो मेरे को सुबह आओ बोलता है। अच्छा, तत्पश्चात हम लोगों ने मजबूरी के नाम से उसका FIR हुआ। अगर आज के कंडीशन में उनको अगर 1-2 दिन के अंदर में पेसमेकर नहीं लगता है और जिससे हेमकुमार वैष्णव की अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरी तरह से इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बैंक मैनेजर होंगे, और बैंक मैनेजर किसी और कोई नहीं होगा। धन्यवाद। आपने हेमकुमार से बात किया हाँ? तो वो कितना पैसा निकालना चाहती हैं? पूरा सब पैसा, पूरा सब जितना पैसा, सब पैसा निकालना चाहती हैं, आपने इलाज कराना चाहती हैं ना? आपका शुभ नाम क्या है? महेश कुमार सिद्धार्थ बोला। महेश कुमार सिद्धार्थ जी, ना निकाल बे, खाता में तो नाम का है वो हेमकुमार। कौन गाँव के? थाना दबरा, तहसील जिला जांजगीर चांपा। अभी काफी नहीं, किसे हस मुद्दमान रे मोला जतना थे डॉक्टर है। अच्छा, 2 साल हो गए मैं निकले हूँ हमारा आज। हाँ, ते तो घर छोड़ के यहाँ किसे आया हस? अब मोला घर निकाल दे है, माधवी बेटी है। तो बेटी माधवी तो घर निकाल दे है। हाँ, तो खर्चा पानी किसे चला थी यहाँ? वही जतना थे मेरा सब खर्चा पहले पूरा थे। और तो पेंशन का है? पेंशन ला नहीं दे हो, सब कागजात बन गए है, 1.5 साल के दूर गए पैसा। अच्छा, तो पेंशन 1.5 साल कागज बन गई से। हाँ, अब कागजात भी ना तोला, वह दोबारा पेंशन नहीं मिला थे। हाँ, तो कागजात कहाँ में है? बगल में धरे है माधवी। तो माधवी किसे तो कागजात धरी से? तो बेटी है। और मोर बेटी है, तो मोर आँखी नहीं दिखते, गोर नहीं चलाते। हाँ, और कन्या कोथा फूले है। हाँ, तो बोला और हिंदे मन की हिंद की रहते धरा दे एक नाम से जाबे आबे ये तर करता धर दाय का कीन, तो बोला धरा दे हम वही मन धरे ने मुँह सामने में की हूँ। कौन कौन तोरा कागजात देव कहीन है? भरत है। हाँ, अच्छलिया है। हाँ, संतोष है। भरत, छलिया, संतोष तीनों बहुत के। हाँ, वो मन के कहे में थे कागजात, तो सब कागजात तोर बेटी ले दे हस। हाँ, आधार कार्ड का करे है? ओकरेज करा है। पेन कार्ड है? ओकरेज करा है। तो पति के मृत्यु प्रमाण पत्र है? बहुत सारे। जमीन के पट्टल कौन रखे है? बहुत धरे। तो PPO ऑर्डर पेंशन के से कौन रखे है? वही जाके है। सब तो कागजात हुई रखी से। हाँ, 1.5 साल तक तो पेंशन पागे ना। हाँ, लेकिन ते पेंशन तो हाथ में नहीं है। हाँ, अब फिर अभी तो PPO ऑर्डर मांगा थे तो देत नहीं है। हाँ, कौन देत नहीं है? माधवी। आधार कार्ड भी देत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं देते महाराज, सब लोग धरे है। तो ते कलेक्टर साहब ला का कहना चाहत हस? मोर कागजात सब हमरा मिले, हमरा पेंशन मिले। अच्छा, अब मान ले तोर बेटी है तो कागजात नहीं दिए, किसे करबे? ऊपर केस करियो। ठीक है।